नमस्कार। कोई 100 रुपए रोज कमाता हो और उसका 1 लाख का चेक बैंक में बाउंस हो जाए तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? जब उस कंडीशन में उस चेक का केस होगा कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी 138 के अंदर? जब किसी इंसान के पैसे देने की हैसियत नहीं है तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? आज अपन इसके बारे में जानेंगे, आइए देखते हैं। भारतीय अधिनियम 1881 की धारा 138 क्या कहती है आपको पता ही है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी चेक देता है, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी पब्लिक को या किसी एनजीओ को, किसी को भी चेक देता है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो 138 के अंदर कोर्ट में मुकदमा दायर होता है, ट्रायल चलती है। अगर वो कोई इंसान पैसा नहीं देता तो 2 साल से लेकर 4 साल के बीच में सजा होती है। लेकिन आज अपन एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जिसकी हैसियत नहीं है लेकिन हैसियत से ज्यादा अगर उसका चेक बाउंस हो जाए तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? क्या कोर्ट उसको सजा देगी? क्या कोर्ट उसको उसके लिए उत्तरदायित्व जस्टिफाई मानेगी? ये देखिए, इसके बारे में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 2015 में। और करना आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मेनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम विजय डी सालवी, 2015 में यही एक जजमेंट आया इसी से रिलेटेड और ये कानून बन गए। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर बैंक का चेक दिया है और अगर वह बाउंस हो जाता है तो वह व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात नोट करने वाली बात होगी, अगर किसी व्यक्ति ने अपने हैसियत से बाहर जाकर किसी को चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को पता है कि यार सामने वाला 100 रुपए रोज कमाता है, 1 लाख रुपए उसके भरने की हैसियत नहीं है, ना उसके पास में प्रॉपर्टी है, ना उसके पास में बैंक बैलेंस है और ना उसके पास कुछ भी है, फिर भी आप उसे 1 लाख रुपए दे रहे हो ये जानकर भी और उससे चेक ले रहे हो और इस कंडीशन में अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, आप 138 के अंदर मुकदमा दायर करते हो तो कोर्ट उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानेगा, उस चेक वाले व्यक्ति को सजा नहीं होगी, उसे बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो हैसियत ही नहीं है। मान लो कोई 10,000 रुपए कमाता हो और आपने उसको 50 लाख रुपए उधार दे दिए और फिर आप 50 लाख का चेक बैंक कोर्ट में पेश करते हो कि सर इसका चेक बाउंस हो गया और अब इसके ऊपर 138 का मुकदमा चलाया जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा क्योंकि उसकी इनकम तो वो तो 10,000 कमाता है तो आपने उसको 50 लाख क्यों दिए? अगर आप किसी को पेमेंट दो ना, सबसे बड़ी नोट करने वाली बात बता रहा हूं, किसी को अगर पेमेंट दे तो सामने वालों को हैसियत देख कर दे और उसके आधार पर ही उससे चेक ले। उसकी हैसियत तो 1 लाख की नहीं और आप उसे 50 लाख रुपए दे रहे हो तो कोर्ट में आपका मामला टिक नहीं पाएगा, उसी वक्त खारिज हो जाएगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे बड़ी नोट करने वाली बात है कि किसी व्यक्ति की अगर हैसियत नहीं है फिर भी वो किसी को चेक दे देता है तो उसके खिलाफ चेक का मामला नहीं चलेगा। चेक का मामला हैसियत देखकर चलता है। किसी की हैसियत अगर 10,000 रुपए कमाने की नहीं और आप उससे 10 लाख रुपए का चेक मांग रहे हो, 10 लाख रुपए आप उसको दे रहे हो, तो यह आपके ऊपर कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो 10 लाख रुपए वापस कैसे देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही कहता है कि इंसान अगर अपने हैसियत से बाहर जाकर चेक देता है या कुछ भी करता है तो 138 के अंदर उसका मुकदमा चलेगा लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा।